हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग सर्च एंड डिसर्च का टॉपिक टू पढ़ेंगे, पार्ट थ्री होगा ये। सर्च एंड डिसर्च का पार्ट थ्री, तो ध्यान रखना है कि जब बेस का मान निकालना हो तो पावर को बराबर करेंगे, पावर में मान निकालना हो तो बेस को बराबर करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है बात? तो देखिए, उदाहरण पे बतला रहा हूँ कि मान लीजिए दिए हुए है 4 के पावर 3x, अब बराबर ये दिए हुए है 64। ठीक है, 4 के पावर में 2 के पावर 3x बराबर 64 दिए हुए है, तो 2 के पावर 3x बराबर आपको पूछ रहा है कि x का मान बताइए। तो x का मान बतलाना है, तो x कहाँ है, पावर में कि बेस में? तो पावर में है। तो जब पावर में x है तो जब पावर का मान निकालना हो तो बेस को बराबर करेंगे, तो 64 को लिखेंगे 2 के पावर 6, तो बेस बेस दोनों बराबर हो गया, तो 3x बराबर 6 हो गया, तो 3 दूना 6, तो x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो जब पावर का मान निकालना हो तो बेस को बराबर करेंगे, बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के, जब बेस का मान निकालना हो तो पावर को बराबर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसे यहाँ पर आप देखें कि किसका मान निकालना था, पावर का। अब कभी बेस का मान निकालना हो कि 2x+3 के पावर 8 बराबर दिए हुए है 64, 64 नहीं 16 के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर बेस का मान निकालना है, तब बेस का जब मान निकालना हो तो पावर का पावर को बराबर करेंगे, तो 2x+3 के पावर 8 बराबर इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 4 अगुने 2, तो ये हो जाएगा दोनों का पावर 8 आ गया, तो 2x+3 बराबर 2, तो 2x -1, तो x -1/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप लोग सीखे कि जब पावर का मान निकालना हो तो बेस को बराबर करेंगे, बेस का मान निकालना हो तो पावर को बराबर करेंगे। ठीक, अब आप पढ़ते हैं आगे। प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कह रहा है कि 2 के पावर n+2 का रूट बराबर 8, तो पूछ रहा है आपसे n बराबर व्हाट। तो n का मान पूछ रहा है, और n है कहाँ, बेस में कि पावर में? n पावर में है, तो जब पावर का मान निकालना हो तो बेस को बराबर करेंगे, तो 2 के पावर n+2 बराबर ई रूट उधर जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो 2 के पावर n+2 बराबर 64 को लिखेंगे 2 के पावर कितना 6, 2 के पावर 6 लिखेंगे, तो ये बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के, तो n+2 बराबर 6 आ गया, तो n बराबर हो जाएगा 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को? नहीं ना, यहाँ पर पावर का मान निकालना था तो हम लोग बेस को इक्वल किए, तो बेस बराबर हो गया तो पावर का मान अपने आप आ गया। एक और प्रश्न लेते हैं, इसमें कह रहा है कि 64 के पावर x+1 बराबर 64/4 के पावर x। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। अभी देखिए, 64 को हम लोग 2 के पावर 6 लिखेंगे, 64 को 2 के पावर 6 कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ भी 64 को 2 के पावर 6 लिखे तो कैसे लिखे, 2 से तोड़े 32, 2 से तोड़े 16, 2 से तोड़े तो 8, 2 से तोड़े तो 4, 2 से तोड़े तो 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को 2 आया, तो 64 को 2 के पावर 6 लिखेंगे, के पावर गुना में हो जाएगा x+1 बराबर
फिर 64 को लिखेंगे 2 के पावर 6 और 4 को लिखेंगे 2 के स्क्वायर, ये पहले से x है। अभी 2 के पावर ही हो जाएगा 6x और प्लस ये 6 इकाई 6, 6 से ये दोनों में गुना हो जाएगा। अब बराबर ये दोनों का बेस समान है, बेस समान है, अब भागा में है कि गुना में है, भागा में है, तो भागा में है तो पावर क्या होगा घट जाएगा, तो 6 माइनस 2x, दोनों का बेस समान हो गया दोनों तरफ। दोनों तरफ जब बेस समान हो गया तो बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के, तो 6x प्लस 6 बराबर 6 माइनस 2x, तो ये 6 से 6 कट गया तो हो जाएगा 6 और 2 8x बराबर 0, यही तो बचेगा, 2x उधर चल जाएगा, तो 6 2 8x बराबर 0, तो x बराबर 0/8 यानी 0। कोई दिक्कत कि नहीं को, नहीं ना मेरे समझ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है, मिटा दे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक्स के पावर 3 के पावर 2 गुने एक्स के पावर 4 बटा एक्स के पावर 10 बराबर एक्स के पावर पी, तो पूछ रहा है पी बराबर व्हाट। तो इसको कुछ करना है, सबका बेस समान है, जब ब्रैकेट दे के पावर रहता है तो ये पावर गुना हो जाता है, डबल पावर गुना हो जाता है, 3 दुना 6, एक्स के पावर 4 बटा एक्स के पावर 10 अब बराबर एक्स के पावर पी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सबका बेस समान है और ये दोनों गुना में ही भाग में है, तो दोनों गुना में उसका पावर जुड़ जाएगा, ये भाग में है तो पावर घट जाएगा, तो एक्स के पावर 6 और 4 10, ये भागा में है तो पावर घटेगा, तो -10 है बराबर एक्स के पावर पी, बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के, तो पी बराबर आ जाएगा 10 में से 10 गया 0। इसमें कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन टफ होता ही नहीं है, बस आपको तोड़ने आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 5√5 गुने 5 के पावर 3 भागा 5 के पावर -3/2 बराबर 5 के पावर a+2। तो आपसे पूछ रहा है कि a बराबर क्या होगा, ठीक है। अब समझिए 5 गुने √5 है, तो जब कोई रूट में होता है, जब कोई अंक रूट में होता है तो जब उसको पावर में लिखते हैं तो पावर में 1 के बटा में चलाता है जो करनी में रहता है सो, तो जब रूट है तो यहाँ पर करनी में कुछ नहीं मतलब 2 है, तो जब उसको पावर में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 5 के पावर 1/2 ही हो जाएगा, अगुने 5 के पावर 3 अब भागा 5 के पावर -3/2 बराबर 5 के पावर a+2, ये सब का बेस समान है ना। गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये वही है जो पहले आप पढ़ चुके हैं। तो सबका बेस समान है, तब बेस समान है तो पावर क्या होगा, गुना में है तो जुटेगा, तो इसके पावर में कुछ ना मतलब 1, तो 1 + 1/2 और प्लस ही 3, ई भागा में है, ये भागा में है ना, ये पूरा भागा में है, तो भागा में है तो पावर घटेगा, आई पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, आई 3/2 बराबर 5 के पावर a+2 आ गया, बेस बराबर बेस के हो गया, तो पावर बराबर पावर के, तो 1 का आधा 1/2 का मतलब आधा ही ना, तो 1 आधा 1.5 और 3/2 का मतलब भी 1.5, तो 1.5 1.5 3 और 3 6, तो 6 बराबर a+2, तो इसीलिए a बराबर कितना फेंक दिया, 6 में से 2 गया तो 4। कोई दिक्कत, ए बराबर 4 फेंक दिया, हमारा उत्तर हो गया 4। ऐसे कैसे दे दूँ दिल तुझको यार, बड़ा महंगा पड़ेगा ये तेरा प्यार जार चाचा, आजा चा पिया है। अब देखिए
एक और प्यारा प्रश्न लेता हूँ। एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के पावर 4x+5 अब बराबर एन क्यू बटा एम क्यू के पावर 3x+6। ठीक है, अभी दोनों के पावर 2 है तो हम लिख सकते हैं m बटा n के पावर 2 इंटू में हो जाएगा 4x+5। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत? नो दिक्कत। आगे देखिए, अभी है m बटा n है यहाँ पर, तो हम इसको हम m बटा n करना चाहते हैं ताकि बेस बराबर हो जाए। निकालना है x का मान, इसमें पूछत है x बराबर का होई, तो m बटा n इधर है तो इधर भी m बटा n करते हैं, बेस को बराबर करते हैं। तो जब बेस को बराबर किए तो इसके बेस को पलटे हैं, अब पलटे हैं तो इसका पावर जो प्लस में होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, माइनस में। जब बेस को पलटते हैं तो पावर अगर पहले से प्लस में है तो पावर अब माइनस में चला जाएगा, अब माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, के पावर हो जाएगा एक्स प्लस आई, दोनों के लस लेते तो 3, तो ये हो जाता 3 × 3 तो एक्स आई 36 18। ढिचिक ढिचिक। अब देखिए बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के, तो दूसरे ही दोनों में गुना हो जाएगा, तो 4 × 8x+5 × 10 बराबर माइनस, इस सब में गुना कर दीजिए तो -1 -18। एक्स कोने फेंक ला, एक्स को उधर फेंक लीजिए तो 8x 1x 9x, 10 को इधर फेंक लीजिए तो 10 इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो -18 -10 -28। तो एक्स बराबर -28/9 आ गया, यही तो हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं, इधर बता दूं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे हमराही, मेरे हमसफर, मेरे जिगर के टुकड़ों, सब लोग हैं इसमें। देखिए गौर से देखिए, यही वो प्रश्न है जो बच्चों को बार बार परेशान करने की चेष्टा करता है। आज इसको सॉल्व करके हम लोग इसकी चेष्टा को नाकामयाब करेंगे। तो पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा। कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना, क्या करें इसके। टंगड़ी धक अलग खींचिए, राम धक फाड़ दीजिए इसको, देखिए कैसे आराम से बन जाएगा। 9 है, 9 को क्या लिखेंगे, 3 के स्क्वायर लिखेंगे 9 को, एकदम टुकड़ी टुकड़ी तोड़ दीजिए। जितना तोड़िएगा एकदम छोटा से छोटा रूप में तोड़ देना है, और जैसे टूटेगा बस वो अपने आंसर फेंक देगा। तो 9 को लिखेंगे 3 के स्क्वायर, एक्स पहले से है अगुने 3 के पावर 5। 27 को लिखेंगे 3 के क्यू अगुने 3 अब बटा ये 3। 81 को लिखेंगे 3 के पावर 4 अब पहले से है 4। 81 को 3 के पावर 4 नहीं लिखेंगे जी, आप लोग भी ना कुरहन कैले रहते हैं ना यार। 1 2 3 4 4 × 3 तो 3 के पावर 4 ठीक है ना जी। 3 के स्क्वायर आई एक्स, 3 के पावर 5 27 को 3 के क्यू एक बार पावर है तो गुना कर देंगे, 3 81 है तो 3 के पावर 4 है 4 4 जब हो गया सब ठीक है। तो ओह इतना कुरहन करवाओ तो कैसे होती, ये हो जाती 3 के पावर 2x आ प्लस, ये सब गुना में है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, तो 5 3 9 आई भागा में है तो पावर क्या होगा घट जाएगा, तो इसके पावर कुछ नहीं मतलब 1 आई 4 × 16 अब बराबर 3 के पावर 3। अब बेस बराबर बेस के तब पावर बराबर पावर के, तो ये हो जाएगा 2x+9 5 14 और 14 में से 16 1 17 गया तो -3।
ठीक है ना, 5 × 9 = 14, आ 14 प्लस में 16 × 1 = 17, 17 माइनस में, तो 17 में से 14 गया तो -3, ठीक है जी। अभी हो जाएगा 2x = 3, इधर आके जुड़ जाएगा तो 3 × 3 = 6, तो 2 × 3 = 6, तो इसीलिए x = फेंक दिया 3। कोई दिक्कत? मेरे समझ से आपके समझ में ये सारी बात आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे के प्रश्न में क्या कह रहा है। मिटा दूं? मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, इस कदर प्यार तुमसे करते हैं, तुझको दुल्हन बनाएंगे हम, ला 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 ना 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 ना। मेरे जीवन साथी, तो पूछ रहा है एक्स बराबर क्या आएगा। देखिए ऐसा करते हैं, बेस बराबर कर देते हैं, तो 3/5 / 3 आगुने, ये 3/5 / -6, बेस को जब पलट दिए तो पावर प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। सही क्वेश्चन लिखे हैं ना जी? यस जी, सही क्वेश्चन लिखे हैं जी। अब देखिए आई इसको लिखेंगे 3/5 / 2x - 1। अभी दोनों का बेस समान है, गुना में है, पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो 3/5 / 3 हो जाएगा 3 प्लस, गुना में तो पावर जुटेगा तो प्लस, आई पहले से माइनस में बराबर 3/5 / 2x - 1। बेस बराबर बेस के 3/5 / 3/5, तो बेस बराबर बेस के ना गया, अभी हो जाएगा 3 में से 6 गया तो -3 = 2x - 1। माइनस वन को उधर फेंक दीजिए तो ये हो जाएगा 2x = आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो प्लस में, तो -3 में से +1 गया तो -2, 2 × 2 कट गया तो x = -1 हो गया। कोई दिक्कत? आगे है देखिए, दिए हुए 6 / 1.2 गुने 36 / x गुने 30 / 2.4 गुने 25 / 1.3 बराबर 30 / 5, तो पूछ रहा है x = what। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अब देखिए 6/1.2 अगुने 36 को लिखेंगे 6 के स्क्वायर, पावर x पहले से है, आई 30 / 2.4, तो ऐसा करता हूँ किसको भी तोड़ देता हूँ का, तो 30 को तोड़ेंगे तो 5 × 6, आ ये जो पावरवा है ये पावरवा दोनों पर ना बैठ जाएगा, अगुने 25 को लिखेंगे 5 के स्क्वायर के पावर 1.3 बराबर 30 / 5, एजा तक में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए 6/1.2 आई दोनों का भी तीनों का बेस समान है ना, तो तीनों के जब बेस बा समान है तो ऐसा करता हूँ 1.3 है जी, हाँ तो ठीक है, तो है रह, अभी रुक जाइए, रहने दीजिए इसी 6/2x 5/2.4 गुने 6/2.4 अगुने ये 5 / हो जाएगा 13 × 26 यानी 2.6 अब बराबर। अब इसको लिख देता हूँ, चाहे इसको भी तो तोड़ सकते थे,
तो 5 के पावर 5 और गुने 6 के पावर 5, 30 को लिखेंगे 5 गुने 6। बतलाए थे एक उदाहरण में आपको पहली क्लास में, जब सर्च एंड रिसर्च का पहला क्लास ले रहे थे उस टाइम, कि 6 को 2 गुने 3 लिखेंगे, ये जो पावर है दोनों पर चढ़ेगा। क्या कोई दिक्कत? तो इसी तरह से 30 को लिखे 5 गुने 6, ये जो पावर है दोनों पर चढ़ेगा, तो 5 के पावर 5 गुने 6 के पावर 5। अब 6 वाला को एक साथ कर लीजिए, तो 6 के पावर 1.2 आई गुना में है तो पावर जुटेगा, तो +2x, आई भी गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 2.4। अब 5 वाला को एक साथ कर लीजिए, तो 5 वाला को एक साथ करेंगे तो 2.4 +2.6, दोनों का बेस समान है, इसका इसका बेस समान है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो हो जाएगा 2 और 2 4 1 5, 5 के पावर 5 आ जाएगा, बराबर 5 के पावर 5 गुने 6 के पावर 5। ढिचक्यों कट गया, तो ये आ गया 6 के पावर 1.2, जोड़ना दो ये तालफरा का है। ऐसे भी ये दोनों का बेस समान है, अब तो बेस समान है तो पावर बराबर होगा, तो पावर बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x+4 2 6 2 1 3 और बराबर ये आ जाएगा 5। दोनों के बेस समान है तो बेस को छोड़ दिए, तो पावर बराबर पावर के कर दिए, तो ये आ जाएगा 2x = 5 में से 3.6 गया तो 1.4 ही न बचता ही। हाँ ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 1.4/2 यानी 0.7, या तो 7/10 होगा या 0.7 होगा। देखिए ऑप्शन में 0.7 ही है, ठीक मिटा दे। समझने में कोई कठिनाई नहीं ना है आप लोग को? नोटबंदी जब तू कैलू तो लाइन लागल लंबा, कुछ नियम कद लागू एक रोके कदी जमा, इतने तू अर्जी कबूल कर मोदी जी, जल्दी जल्दी पुराना बीवी बंद कर मोदी जी, हमर घर बात परेला बिहार में, दारू पिए खातिर अले ससुरार में, जब कहनी गिलास लेकर आब फोड़ देला सीसी या कपार में। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, बोले थे आपको कि जब बेस बराबर हो, बेस में मान निकालना हो तो पावर को बराबर करेंगे, या जब पावर में मान निकालना हो तो बेस को बराबर करेंगे। तो यहां पर बेस में मान निकालना है, आप लोग से पूछ रहा है, मेरे से भी पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं मेरे से नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन है तो मेरे से भी पूछ रहा है, खाली आप अकेले नहीं है, हम भी आपके साथ। तो एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो एक्स कहाँ है, बेस में है कि पावर में है, बेस में है, तब बेस में जब है एक्स का मान तो पावर को बराबर करेंगे। अब देखिए 3x+4, अच्छा 1/2 के मतलब 0.5 kg, 1/4 के मतलब 1 पौआ, 250, समझते हैं ना, 1/4 मतलब 250, जिसको हम लोग देहात में कहते 1 पौआ 1 पाव, 1/2 kg मतलब आधा, तो 0.5 kg या 1 पाव, 3 पाव, 3 पाव मतलब 0.75 बराबर, ई हो जाएगा लॉस लेंगे तो 2, तो x+14 2 28 के पावर, ई 0.75, दोनों के पावर बराबर है, तो जब पावर बराबर पावर के, तब बेस बराबर बेस के, तो 3x+4 बराबर ही x+28/2, 2 n/2 में तो नहीं चल जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 3 × 6x+4 × 8 = x+28, तभी 8 को फेंक लो, तो 6x उधर जाएगा तो 5x बराबर 8 इधर आ जाएगा, तो 28 में से 8 गया 20,
पाँच चौक 20, तो ये x बराबर आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दें। अब देखिए, एक बहुत प्यारा प्रश्न लेता हूँ। 27 के पावर रूट अंडर एक्स माइनस 8 बराबर 18 के पावर 12 गुने 12 के पावर 16 गुने 24 के पावर 8 अब बटा 36 के पावर 10 गुने 9 के स्क्वायर और गुने 256 के पावर 6। तो पूछ रहा है एक्स बराबर व्हाट। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके और पहले बनाने का प्रयास कीजिए। बन रहा है, देखिए पहले आप लोग को बता चुके हैं कि छोटा से छोटा रूप में बदलने का प्रयास कीजिए, एकदम छोटा से छोटा तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो 27 को क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3 के पावर में है रूट अंडर एक्स माइनस 8 बराबर 18 को लिखेंगे तो 9 गुने 2 तो 18 को 9 गुने 2 तो 9 को 3 के स्क्वायर गुने 2 3 के स्क्वायर 9 दूना 18 ई जे पावर ही तो दोनों पर चढ़ेगा तो इस पर भी 12 इस पर भी 12 गुने अभी 12 को लिखेंगे 4 गुने 3 तो 4 को लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3 इसको तोड़ रहे हैं इसको तो तोड़ लिए तो 12 को लिखे 2 के स्क्वायर 4 गुने 3 4 थे 12 ये 16 है ये तो दोनों पर जाएगा पावर 24 को लिखेंगे 8 गुने 3 तो 8 को लिखेंगे 2 के क्यू गुने 3 2 के क्यू 8 3 24 जो 8 है पहले से वो दोनों पर जाएगा अब बटा 36 को लिखेंगे 9 गुने 4 यानी 3 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 2 के स्क्वायर 4 9 चौक 36 आई 10 जो है दोनों पर जाएगा ना अगुने 9 को लिखेंगे 3 के स्क्वायर अगुने 2 256 को 2 के पावर 8 लिखते हैं। तोड़ कर देख लो 256 को लिखेंगे कैसे 2 के पावर 8 तोड़ दिए 128 64 32 16 इस तरह से तोड़ेंगे ना तो 2 के पावर 8 लिखे के पावर 6 तभी हो जाएगा 3 के पावर 3 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 8 अब बराबर अब जिसका जिसका बेस समान है गुना में है तो पावर जोड़ दीजिए भागा में है तो घटा दीजिए तो 3 वाला को पहले देखते हैं तो 12 दूना 24 अब प्लस ये 16 अब प्लस ये 8 आई भागा में है ये आई तो भागा में है तो 10 दूना 20 माइनस हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2 दूना 4 अब गुनी अभी 2 वाला तो बच्चल है 2 वाला को देखिए तो हो जाएगा 12 ये 12 होगा ना जी यही 16 दूना 32 प्लस ये 8 3 24 8 या 24 आएगा ना अब भागा में उसका घटा दीजिए तो 10 दूना 20 माइनस 8 छक 48 ठीक है तो ये हो जाएगा देखिए ये पावर को जोड़िए 48 तो 24 32 12 32 जो जोड़ेंगे इसको तो ये आ जाएगा 8 4 2 6 4 2 6 2 8 3 2 5 1 6 तो ये पूरा 68 है या ये भी 68 है तो 68 में 67 गया तो 0 तो आ जाएगा 2 के पावर 0 इधर आ जाएगा ई तो पूरा आ जाएगा 2 के पावर 0 ठीक है तो 2 के पावर 0 ये आ जाएगा 3 के पावर कितना तो 20 4 24 16 8 24 24 में से 24 गया तो 0 तो ये 3 के पावर 24 बच गया अब बराबर 3 के पावर 3 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 8 किसी भी अंक के पावर 0 के मान 1 होता है तो इसका मान तो 1 आ गया ठीक है तो इसको छोड़ दें इसका मान 1 आ गया तो हो जाएगा 3 के पावर 3 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 8
और बराबर 3 के पावर 24। बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर सॉल्व कर देना। तो बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के, तो हो जाएगा 3√x − 8 बराबर ही 24। 3 8 24, तो x माइनस 8 बराबर ये रूट है तो उधर स्क्वायर में जाएगा, तो 8 के स्क्वायर 64, तो x बराबर आ जाएगा 64 में 8 जाकर जुटेगा तो 72। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से इस प्रश्न को देखिएगा बार बार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अब मिटा दूं इसे। अगला प्रश्न है, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, 3 के पावर ये एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर को एम गुने एम लिख सकते हैं, ठीक है। एम एक्स, इसमें एक्स कहाँ है, आई ला रे बाबा, एम बराबर पूछ रहा होगा जी, एम बराबर पूछ रहा है, तो एम स्क्वायर को एम गुने एम लिख सकते हैं। भागा में है तो पावर तो घटेगा, आई डबल पावर गुना होगा तो ये 2m हो जाएगा, 2 × m तो 2m, आई भागा में है तो दोनों का बेस समान है, भागा में है तो पावर घट जाएगा, आई पूरा के पावर में है, ये पूरा के पावर में 1/m, अब बराबर 81। अब देखिए 3 के पावर ये दोनों में से m कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस 2 बचेगा, अब गुना में 1/m, अब बराबर 81 को लिखेंगे 3 के पावर 4। एम से एम कट गया, अब बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के, तो ये तोरा आ गया एम माइनस 2 बराबर कितना 4, एम माइनस 2 बराबर 4, तो इसीलिए आ गया आपका एम बराबर 4 × 2 6। कोई दिक्कत कि नहीं को, नहीं ना, एम बराबर आ गया 6, मिटा दे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्यार नहीं खेलिखल हाथ के लकीर में, नहीं खे तकदीर में जान, दिल टूटला के तो होला ना आवाज हो, फिर कैसे सुनी जमाना, हो जाइबू दोसर के कुछ दिन के बात बा, फिर पगला रोई पन दीवाना। बहुत प्यारा प्रश्न है और है कुछ नहीं, दोनों के पावर में 2 है तो क्या करें, x/y/2 कर दे, आई हो जाएगा 2a + 1/2। कोई दिक्कत, दोनों का लसल ले लिए तो 2, तो हो जाएगा 2a + 1/2, ये दोनों के कॉमन ले लिए तो पावर 2 हो जाएगा, अब बराबर अभी x/y है, y/x है, तो इसको वो x/y करेंगे तो पावर में -3, आई हो जाएगा 3 × 6a + 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बेस बराबर बेस के बेस बराबर आ गया तो पावर बराबर पावर के, तो ये हो जाएगा 2a + 1 बराबर
ई माइनस से तो दोनों में गुना होगा, तो माइनस सिक्स या माइनस वन, छः एक कोन ने फेंक लीजिए तो छः दो आठ ए, अब अरे वन के धरले तो माइ वन ई वन माइनस में आई, वन माइनस में वन है तो वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू दो चौक आठ, तो इसलिए ए बराबर माइनस वन बाई फोर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मिटा दूँ? मिटाए ना जी। अब देखिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न लेते हैं टॉपिक टू का। दिए हुए है आठ रूट आठ गुणे आठ के पावर तीन बटा दो गुणे आठ के पावर माइनस वन बाई टू भागा आठ थर्ड रूट आठ, थर्ड रूट आठ बराबर दो के पावर एक्स प्लस तीन, तो पूछ रहा है एक्स बराबर व्हाट। देखिए ये आठ है, इसको लिखेंगे आठ के पावर वन बाई टू, रूट में है तो आठ के पावर तीन बटा दो, आठ के पावर माइनस वन बाई टू अब भागा। अच्छा देखो भागा ही घेर के, पूरा को घेर के भागा है, तो ये आठ अगुने आठ के पावर एक बटा तीन, इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ये करनी में तीन है तो जब पावर में लिखेंगे तो आठ के पावर एक बटा तीन हो जाएगा बराबर दो के पावर एक्स प्लस थ्री, सबका बेस समान है तो गुना में तो पावर जोड़ दीजिए, भागा में है घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आठ गुने आठ के पावर देखो तीन बटा दो, चाहे लिखो ना एक बटा दो प्लस थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, गुना में ही सब तो पावर जुटेगा तो प्लस लिखते ही पहले से माइनस में। अच्छा भागा ये दोनों तो भागा में है तो पावर घटेगा तो माइनस वन, इसके पावर कुछ नहीं मतलब वन आई माइनस वन बाई थ्री, अब बराबर हो जाएगा दो के पावर एक्स प्लस तीन। ये अटकला लिखे हैं साहब बकले ले हैं हम भी आठ आ एक प्लस न हो जाएगा, इसके पावर में कुछ ना मतलब एक है ना। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो माइनस वन हट गया, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, तो तीन बटा दो बच गया, तब आठ को लिखेंगे दो के पावर तीन आई हो जाएगा थ्री बाई टू और माइनस वन बाई थ्री अब बराबर दो के पावर एक्स प्लस तीन, तो दो के पावर तीन आई लसा लेंगे जब इसका, इसका लसा लेंगे तो छः तो दो ती आई छः तो तीन ती आई नौ, तीन दूना छः तो ही दो आ जाएगा बराबर ही आ जाएगा दो के पावर एक्स प्लस तीन, तो सॉल्व कर कीजिए आगे तो दो के पावर तीन दूना छः कर दे दो बार में तो नौ में से दो गया सात तो सात बाई टू अब बराबर दो के पावर एक्स प्लस तीन, बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के तो सात बटा दो बराबर एक्स प्लस तीन, तो एक्स बराबर आ जाएगा सात बटा दो माइनस तीन, तो लस लेंगे तो दो तो सात माइनस तीन दूना छः तो एक बटा दो आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात सब लोग को? नहीं ना, नहीं ना समझ में आ रही है तो फिर से देख लीजिएगा, समझे ना। इस तरह से इसको समाप्त करते हैं, अब बहुत क्वेश्चन हो गया। थैंक यू, भारत माता की जय।